कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ लोग चलिया करते हैं, आप दिल्ली से हैं, आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे कि 40 दिन या 21 दिन या 41 दिन, 51 दिन, 108 दिन, ऐसे एक नियमित बांध लेते कि इतने दिन तक उनको चलिया करना है और उनको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन बीच में किसी का वो चलिया टूट जाए तो क्या वो पाप लगता है या फिर वो वापस से स्टार्ट कर सकता है, क्या होता है अगर टूट जाए तो किसी का? देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा मानना यह है भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति सकल गुणों की खान है और वो स्वतंत्र है। जो भक्ति बांध दे ऐसी भक्ति में नहीं जाना चाहिए। मेरा रोज मंदिर जाने का नियम है, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मैं रोज भगवान महादेव को जलार्पण करता हूं। कोई सोमवार मेरा ऐसा नहीं होता जिस दिन भगवान महादेव को दूध ना चढ़ाऊं, और रोज कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान को जल ना चढ़ाऊं। लेकिन आपको आज सत्य बता रहा हूं, आज सुबह से इतनी व्यस्तता रही कि आज मैं मंदिर नहीं जा पाया। तो मुझे प्रैक्टिकल रहना चाहिए। अब इसमें भगवान शिव नाराज हो जाएंगे क्या, इसमें भगवान हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, राधा कृष्ण भगवान नाराज हो जाएंगे, कोई नहीं। डरावनी भक्ति नहीं होनी चाहिए। जो लोग चलिया कर रहे हैं, पूज्य मुरारी बापू जी वो कुछ बातें कहते हैं, जैसे सहज रहना, सरल रहना, जो भगवान बुद्ध के भी सूत्र है। जैसे सहज व्रतम कौन्तेय, श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं व्रत इतना करो जो सहज हो। आपने चलिया शुरू किया, अच्छा है हो जाए तो उसकी कृपा है, नहीं हो तो समझ लो उसी की इच्छा है, वो नहीं चाहता। आप तो करते रहिए करते रहिए। आप चलिए के चक्कर में आपका कोई बहुत बड़ा काम छूट जाए, आप सोचे भाई मेरा ये काम अगर मैं चलिया करने गया तो मेरा ये काम छूट जाएगा, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप उस काम को कर लीजिए। अगर वो अच्छा काम है तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेंगे। कोई किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ प्रैक्टिकल रहिए। बंदिशें नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए अगर पूजा कर रहे हैं तो।